सो गाइस, छोटे धमाके तो हमने बहुत फोड़ लिए, तो आज हमने सोचा क्यों ना एक बड़े धमाके को फोड़ते हैं। उल्टा तो नहीं बोल दिया? नहीं, बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि आज जिसकी अनबॉक्सिंग हम करने वाले हैं वो एक छोटे से बॉक्स में आने वाला एक बड़ा धमाका है। ये है पाईबॉक्स इंडिया की तरफ से आने वाला एक यूएसबी अडैप्टर, और इन्होंने लिखा यहाँ पे यूएसबी डेटा यूनिट, कुछ भी कहें हम अडैप्टर ही कहेंगे। और मेरे हिसाब से आप में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि एक यूएसबी अडैप्टर से आप अपनी डिस्प्ले शेयरिंग से लेके अपने स्मार्टफोन को एक कंप्यूटर भी बना सकते हो, और वो कैसे होगा वो सब चीजें मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और इस यूएसबी अडैप्टर के बारे में अच्छे से जानकारी चाहिए तो एंड तक ही देखना पड़ेगा यार, तुम्हें मतलब देख लेना एंड तक, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। मैं हूं आपका दोस्त यूश, आप देख रहे हो अनबॉक्स टेक। चलिए गाइस, तो बॉक्स का डिजाइन आप देख सकते हो कि किस तरीके का, और ये बॉक्स छोटा है लेकिन इसमें सामान बहुत है, तो वो अब अनबॉक्सिंग में देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। तो पहले फटाफट से हम अपने बॉक्स को ओपन करते हैं, एंड बॉक्स ओपन करने के बाद यहाँ आपको मिलेगा आपका यूएसबी अडैप्टर सबसे पहले। वैसे मैं इसे पहले से अनबॉक्स कर चुका हूँ और इसे टेस्ट भी कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैंने कोशिश किया कि आपको पूरा एक्सपीरियंस दिया जाए। और हमें मिलता है कि ये ब्लू कलर का मोबाइल स्टैंड, एक ये बिल्कुल खतरनाक सी दिखने वाली यूजर मैनुअल, ऐसी यूजर मैनुअल आपने कहीं नहीं देखी होगी, पीछे पाईबॉक्स इंडिया लिखा हुआ है। काफी पुस्तकें बचाई है पाईबॉक्स इंडिया ने, काफी अच्छी बात है। एक्चुअली यूजर मैनुअल नहीं है, इन्होंने यहाँ पर यह बताया हुआ है कि अगर आपको ये मोबाइल स्टैंड वर्थ इट लगे, कि क्योंकि ये फ्री दे रहे हैं अपने इस अडैप्टर के साथ, आप किसी भी एक जरूरतमंद को डोनेट कर सकते हो। तो काफी अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे इस ब्रांड की तरफ से। और एंड हाँ, ये मोबाइल स्टैंड मैंने यूज किया था भाई, बहुत काम आता है, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव था पाईबॉक्स इंडिया की तरफ से भाई। और ये इसके साथ एक छोटी सी चीज मिलती है जो कुछ इस तरीके से खुल जाती है। अब देखने से तो ऐसे लग रहा था कि ये किसी केबल को होल्ड करने के काम आएगी, लेकिन मैंने इसे ट्राई किया, पता नहीं ये होल्ड हो नहीं रहा था या क्या था। तो अगर किसी को पता हो कि किस काम आती है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, क्योंकि मुझे तो समझ में नहीं आया बिल्कुल। तो कैरिंग पाउच की बात करें तो भाई काफी लंबा कैरिंग पाउच है, एंड आराम से इसके अंदर आप ये रखो ना रखो, लेकिन बहुत सारी अलग दूसरी चीजें भी रख सकते हो। तो एक अडैप्टर के साथ ये सारी चीजें मिलना काफी अप्रिशिएबल चीज है। अब डायरेक्ट अपने अडैप्टर की बात करते हैं। तो अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो ये एक अपडेट है हमारी तरफ से कि कृपया करके यार वीडियो को लाइक कर दो बस, और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो अपने इस भाई के चैनल को, और बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स आते रहें। तो ये है हमारा यूएसबी अडैप्टर, यहाँ आप देख सकते हो पाईबॉक्स इंडिया की ब्रांडिंग और नीचे www blah 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 वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। तो नीचे हमें इसके पोर्ट्स मिलते हैं, यहाँ पे हमें टाइप सी पोर्ट मिलता है जो चार्जिंग के काम आता है, यहाँ पर हमें मिलता है एक HDMI पोर्ट जिसमें आप देख सकते हो कि 4K अप टू 60 FPS तक डिस्प्ले शेयर कर सकते हो, और ये हमारे पास है एक USB 3.1 वाला पोर्ट, और मेन जो हमारा पोर्ट है वो है टाइप सी जिससे आप अपने स्मार्टफोन को या फिर अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो इस USB अडैप्टर के साथ। तो एकदम मेटालिक डिजाइन है अगर आप ध्यान से देखो तो, और काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। अगर आप इसे नीचे भी गेर देते हो गलती से तो ये टूटने वाला नहीं है, खराब भी जल्दी से नहीं होगा, काफी अच्छी क्वालिटी मुझे इसकी लगी। पूरा मेटालिक डिजाइन है, यहाँ आप देख सकते हो भाई मेटालिक है भाई। और अगर इसके वायर की बात करें तो भाई काफी ज्यादा मोटी वायर है, तो मतलब जल्दी से मेरे को तो नहीं लगता कि ये खराब हो सकती है। अगर आप थोड़ा करीब से भी देखो तो काफी ज्यादा मोटी वायर है और काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है। तो हमारे यूएसबी टाइप सी पोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके साथ एक कैप भी हमें फ्री मिलती है जो इसके साथ हमेशा अटैच रहेगी, या फिर आप इसे अलग भी कर सकते हो ऐसे करके, तो ये आप अलग भी हो जाएगी। तो ये वैसे इसके अंदर कोई मिट्टी वगैरह ना जाए इसलिए ये दिया गया है ताकि इसको आप प्रोटेक्ट करके रख सको। और इस HDMI में 4K अप टू 30 Hz का सपोर्ट है, तो 30 FPS तक आप इसमें डिस्प्ले शेयर कर सकते हो अगर 4K में करनी है तो 1080 और 2K में आप डिस्प्ले शेयरिंग में 60 FPS तक ले सकते हो, स्मूथ एकदम फुल स्मूथ गेमिंग होगी। टीवी में कनेक्ट करना है तो टीवी में भी कर सकते हो जैसी आपकी इच्छा। तो आप इस यूएसबी अडैप्टर को अपने स्मार्टफोन से प्लग इन करके गेम पैड का रिसीवर लगा के गेम्स खेल सकते हो डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन में वाया गेम पैड। जिन गेम्स में सपोर्टेड है उन गेम्स में तो बड़े आराम से आपको गेम पैड के साथ खेलने में मजा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, और इस यूएसबी अडैप्टर को ज्यादातर लोग क्यों खरीदते हैं, ताकि वो अपने लैपटॉप के पोर्ट्स को एक्सटेंड कर सके। अब यार इस मैकबुक को ही देख लो, इसमें सिर्फ 2 टाइप सी के पोर्ट हमें दिए जाते हैं, यार इसमें सारे काम तो नहीं निकाल सकते ना। अब अगर हमें डिस्प्ले शेयरिंग करनी हो तो हम वो कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसलिए एक थोड़ा फालतू खर्चा एप्पल ऐड करवा देता है मैकबुक वालों के लिए, और भाई ट्रस्ट मी मैकबुक से ज्यादा स्मूथ उस टीवी में लगता है जिससे हम डिस्प्ले शेयर करते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन बहुत ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है इस वाले अडैप्टर से, मैंने ट्राई किया था। एंड डेफिनेटली पोर्ट्स तो एक्सपेंड हो ही जाते हैं कि आपको एक यूएसबी पोर्ट भी एक्स्ट्रा मिल जाता है, तो वो खर्चा
भी हमारा बच जाता है। तो विंडोज लैपटॉप वाले सोच रहे हैं कि भाई हमारे तो क्या ही काम आएगा, हमारे पास तो बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। लेकिन नहीं भाई, अगर आप लोगों को अपने टाइप सी पोर्ट से डिस्प्ले शेयरिंग करनी है डायरेक्ट अपने ग्राफिक कार्ड से, क्योंकि ग्राफिक कार्ड के अंदर ज्यादातर गेमिंग लैपटॉप्स में टाइप सी से डिस्प्ले शेयरिंग का सपोर्ट होता है, तो जिसको भी अगर एक्सटर्नल मॉनिटर अटैच करना है अपने गेमिंग लैपटॉप से और तगड़े वाले एफपीएस चाहिए, डायरेक्टली अपने ग्राफिक कार्ड वाली डिस्प्ले चाहिए, तो आप इस वाले अडैप्टर को यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें एचडीएमआई पोर्ट है, वहां से आप अपनी डिस्प्ले को शेयर कर पाओगे, तो इस तरीके से आपके काम आ जाएगा। और इसके अंदर जो एक यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है उससे आप फाइल ट्रांसफरिंग कर सकते हो किसी भी अपने मोबाइल डिवाइस से या फिर किसी भी पेन ड्राइव से, तो एक एक्स्ट्रा यूएसबी 3.1 का पोर्ट भी मिल जाएगा आपको उस टाइप सी से। तो जिनके पास भी विंडोज लैपटॉप में टाइप सी पोर्ट है तो उनके तो इस तरीके से काम आ सकता है ये वाला यूएसबी अडैप्टर। तो अगर ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो ये वाला अडैप्टर मेरे हिसाब से तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि भाई सस्ता भी है और काफी सारे काम निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास एक सैमसंग का स्मार्टफोन है तो भाई आप अपने फोन को एक कंप्यूटर बना सकते हो, और इस पर यार एक पूरी वीडियो बन सकती है कि ये चीज कैसे होती है। भाई आप अपने स्मार्टफोन में गेम खेलोगे, आपके टीवी में दिखेगा वो सारा कुछ, तो एक कंप्यूटर पूरा का पूरा बिल्ड हो सकता है इस यूएसबी अडैप्टर से अगर आपके पास एक सैमसंग का स्मार्टफोन है। तो ये सारी चीजें कैसे होंगी बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो भाई एक वीडियो ले आएंगे और उसके अंदर ये सारी चीजें मैं एक्सप्लोर करके आपको बता दूंगा। तो देख सकते हो ना यार, इस छुटकू से यूएसबी अडैप्टर से आप कितना कुछ कर सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा कि यार हाँ सच में ये चीज हो सकती थी। और भी बहुत सारी चीजें जो आप कर सकते हो, तो वो आप जब यूज करोगे आपको समझ आती जाएंगी। अब हो सकता है कि आप में से कई लोगों के मन में डाउट हो कि क्या हम इस यूएसबी अडैप्टर से पबजी को लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन डाउट है जो हो सकता है, क्योंकि उसमें भी एक ऐसा ही अडैप्टर यूज होता है। आपके स्मार्टफोन की कंपैटिबिलिटी है या नहीं ये चीज आपको जाननी पड़ेगी, तो वो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर या फिर इनसे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि क्या इस अडैप्टर से आप अपने स्मार्टफोन की डिस्प्ले शेयर कर पाओगे या फिर नहीं। तो यार किसी को भी अगर ये वाले यूएसबी अडैप्टर खरीदना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से जाके आप इसे खरीद सकते हो। और इसका प्राइस काफी ज्यादा कम है एज कंपेयर टू जो दूसरे अडैप्टर्स आते हैं, और मैं डेफिनेटली प्रेफर करूंगा कि आप इस वाले अडैप्टर के लिए जा सकते हो। कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम हैंडल जिंदाबाद भाई साहब पूछ लेना आके, वहां से हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे रिप्लाई देने की। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो पहली बार देख रहे हो तो, और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि उससे ही तो आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो हम मिलते हैं आपसे एक और फ्रेश कमाल वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।